हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर संजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टुडे इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी एंड टुडे इज टॉपिक इज ऑटोमेटा थ्योरी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑटोमेटा थ्योरी होती क्या है। ऑटोमेटा थ्योरी इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड ऑटोमेटा एज वेल एज द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग देम। इट इज अ थ्योरी इन थियोरटिकल कंप्यूटर साइंस। ऑटोमेटा थ्योरी का मतलब है कि किसी भी हार्डवेयर को हमें ऑटोमेटिक बनाना है, तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए हम जिन मॉडल्स को स्टडी करते हैं और उन मॉडल्स की कंप्यूटेशनल मॉडल हों या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स हों, उनकी थियोरटिकल स्टडी की। एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या होती हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर is a theoretical model of a computer hardware or software system used in automata theory। मतलब जो हम अभी computers को देखते हैं उसका जो basic model है उसको हम बोलते हैं abstract machines। इसका हमने advanced form जब हमने इसमें और additions किए, technology add किया, तो हमें ये जो अभी latest computers हैं वो models basically theory of computation का ही एक advanced version है। automata theory basically Greek word है और इसका मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग। सेल्फ एक्टिंग मतलब आपने जो भी प्रोग्राम उस हार्डवेयर में इन्वर्ट किए हैं तो उसके हिसाब से वो सेल्फ एक्ट करेगा। ऐसी मशीन की स्टडी को हम बोलते हैं ऑटोमेटा थ्योरी। एन ऑटोमेटन एक प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है ऑटोमेटन। Automaton is an abstract self-propelled computing device which follows a predetermined sequence of operations automatically। मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सके, इंफॉर्मेशन को यूज कर सके और मटेरियल को ट्रांसमिट कर सके विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन। तो ऐसा सिस्टम हम बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए जो हम थ्योरी की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटा थ्योरी। एन ऑटोमेटन विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट ऑटोमेटन और अ फाइनाइट स्टेट मशीन। ये जो ऑटोमेटा होते हैं इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसकी एक कैटेगरी होती है एक्सेप्टर या रिकॉग्नाइजर। एक्सेप्टर किसको हम बोलेंगे? एन ऑटोमेटन दैट कंप्यूट्स अ बुलियन फंक्शन is called acceptor। All the states of an acceptor is either accepting or rejecting the given input to given it। मतलब ये हुआ कि कोई भी मैंने एक मशीन बनाई और उस मशीन को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि अगर कोई भी मैं इनपुट दूंगा तो वो ये चेक करके बता देगा कि ये जो इनपुट है वो इस मशीन के लिए वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो वो एक्सेप्ट होगा और यदि वो इनवैलिड है तो वो रिजेक्ट होगा। तो एन एक्सेप्टर इज एन ऑटोमेटन विदाउट आउटपुट। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि ये विदाउट आउटपुट है? उसका हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट हमें बुलियन के फॉर्म में मिलेगा लेकिन हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी उस गिवन इनपुट के रिस्पेक्ट में जिससे हम कुछ एनालिसिस कर सकें। इसमें हम केवल यही कर सकते हैं कि हमने जो स्ट्रिंग दी है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर वो वैलिड है तो एक्सेप्ट होगी और इनवैलिड है तो रिजेक्ट होगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। In a special sense, it recognizes or accepts words on the machine alphabet। ये जो acceptors होते हैं इनको हमने दो type से divide किया है। एक होता है deterministic finite automata और एक होता है non-deterministic finite automata। इन दोनों की study हम next कुछ आने वाले videos में study हम detail में करेंगे। अभी सिर्फ हमने ये categorize किया है कि ये deterministic और non-deterministic finite automata acceptor की तरह काम करते हैं, acceptor model हैं। The input of an acceptor is written on tape in the usual way, but the tape is blank at the end of the computation, and the acceptance of the input word is represented by a special state called as final state। मतलब हमने जो भी मशीन डिजाइन की जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट या विद आउटपुट, दो तरह से होते हैं, तो उसमें हमने जो भी इनपुट दिया तो इनपुट देने के लिए हमें किसी न किसी इनपुट डिवाइस की जरूरत होगी, तो हम उसमें टेप को यूज करते हैं। अगर वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होती है तो वो मशीन आपकी जब हॉल्ट होगी तो उस स्टेट को हम बोल देंगे फाइनल स्टेट, और यदि आपकी स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग आपकी रिजेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली मशीन उस स्टेट पर हॉल्ट होगी जो आपकी फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो यही इसका एक
आउटपुट मॉडल होता है। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर, ये दोनों के दोनों ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटा को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये जो सर्किल्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टेट्स, और एक सर्किल को दूसरे सर्किल से जो हम कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्शन एज के थ्रू, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मुझे एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पर करना है तो मुझे एक इनपुट की जरूरत होती है, और वो इनपुट हम इन स्टेट्स के, इन ट्रांजिशन एज के ऊपर लिखते हैं 0 और 1। जो डबल सर्किल दिख रहा है इसका मतलब है वो फाइनल स्टेट है। यहाँ पर ये दूसरा जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 और Q2। जब भी हम स्टेट्स को नंबरिंग करेंगे या स्टेट को कोई भी नाम असाइन करेंगे तो जनरली हम स्मॉल लेटर्स में सफिक्स में 0, 1, 2, 3 हम दे सकते हैं। यदि आपको 0, 1, 2, 3 नहीं देना है तो कैपिटल लेटर्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इनका जो नोमेनक्लेचर है वो ये है कि इनिशियल स्टेट अगर है कोई तो हमें एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स Q0 इज द इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द वर्किंग, और आपके ट्रांजिशन है ही ये जो आपको Q1 स्टेट पे जो ट्रांजिशन हुआ है Q1 से स्टार्ट होकर Q1 पे ही एंड होता है। इसका मतलब है कि ये सेल्फ लूप है कि अगर Q1 स्टेट पर मैं 1 का इनपुट जितने बार भी दूंगा वो Q1 स्टेट पर ही हॉल्ट करेगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। दूसरी कैटेगरी है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स ऑटोमेटा की वो कैटेगरी होती है जिसमें हमें इनपुट देने पर कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स एन ऑटोमेटन दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट बेस्ड ऑन करेंट इनपुट और प्रीवियस स्टेट इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर्स। मतलब ऐसे मॉडल्स जिसमें हमें आउटपुट मिलता है, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग देंगे और उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ आउटपुट स्ट्रिंग मिलेगी, तो ऐसे मॉडल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर के भी हमने एग्जाम्पल में लिया है मूरे मशीन और मिले मशीन। तो जब हम इन मशीन्स को डिजाइन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आउटपुट में हमें कौन सी स्ट्रिंग मिली है, और उसका फायदा हमें ये होता है कि हम उस स्ट्रिंग को आउटपुट के बेस पर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो 100% एक्सेप्ट हुआ है या कुछ परसेंटेज एक्सेप्ट हुआ है, कुछ परसेंटेज रिजेक्ट हुआ है। लेकिन जो प्लेन आपके ऑटोमेटा थे उनमें ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए इनको ट्रांसड्यूसर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये इसका एक एग्जांपल है ट्रांसड्यूसर्स का। यहाँ पर मैंने मूरे मशीन का ये डायग्राम दिखाया हुआ है। ये आपके ऑटोमेटा का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जो आपके ऑटोमेटा थे उन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन कैसे है कि इसमें सारी की सारी स्टेट्स को हमने सर्किल से रिप्रेजेंट किया है, इसमें सभी स्टेट्स हमारी फाइनल स्टेट की तरह काम करती हैं, तो इसलिए हमने अलग से इसको फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया है, नोटेशन नहीं दिया है। ऑटोमेटा में हमने फाइनल स्टेट को डबल सर्किल से रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया है क्योंकि सभी स्टेट्स हमारे लिए फाइनल है। इसमें स्टेट के साथ में जो ऑब्लिक में लिखा हुआ है सी ए या फिर बी, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो स्टेट्स हैं इनका आउटपुट जो है ए है या आउटपुट बी है या आउटपुट सी है। तो हर एक स्टेट के साथ में हमने आउटपुट को भी अटैच किया, तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं मूरे मशीन। इसी तरीके से मिले मशीन भी होती है। मिले मशीन में जो आउटपुट होता है उसको हम इनपुट के साथ में अटैच करते हैं, तो ये आपका आउटपुट इनपुट के साथ में अटैच होता है। ये इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए मूरे और मिले दोनों मशीन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल मैंने दिखाने की कोशिश की ऑटोमेटा की, कि ये आपका इनपुट होगा टेप, टेप में आपकी सेल्स होंगी, हर एक सेल में एक ही कैरेक्टर या एक ही अल्फाबेट को हम स्टोर कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट होता है ये आपका फाइनाइट कंट्रोल यूनिट जो पूरे के पूरे ऑटोमेटा को कंट्रोल करती है, और ये आपकी एक मेमोरी होती है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोमेटा को हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट्स फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट। तो ये आपके कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम ऑटोमेटा को डिफाइन करते हैं। तो ऑटोमेटा को हम डिफाइन बाद में और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा को अगर मैं डिवाइड करूं, कि बेसिकली ऑटोमेटा को मैंने डिवाइड किया है ऑटोमेटा विद आउटपुट और ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऑटोमेटा विद आउटपुट में आपकी मूरे मशीन आती है, मिले मशीन आती है, विदाउट आउटपुट में DFA और NDFA। इस तरह से हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन होता है ऑटोमेटा का। थैंक यू वेरी मच।